नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं बबिता। आजम खां और सपा विधायकों पर हो रही कार्रवाई को लेकर अखिलेश यादव की खामोशी पर कई सवाल उठने लगे हैं। नतीजा ये हुआ कि अखिलेश को लेकर मुस्लिम समुदाय से लेकर खुद उनके ही नेता काफी नाराज चल रहे हैं, जिससे इस्तीफों का दौर भी जारी है। वहीं अब अखिलेश यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ ली है। सपा नेताओं के खिलाफ योगी सरकार की हो रही कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। समाजवादी पार्टी में रामपुर के विधायक आजम खां और बरेली के मुस्लिम विधायक शहजील इस्लाम पर योगी सरकार की कार्रवाई पर खामोशी साधे हुए पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अब एक्टिव मोड पर आ गए हैं। अखिलेश यादव मुस्लिम विधायकों और नेताओं के निशाने पर आ गए थे और योगी सरकार की कार्रवाई के बाद भी चुप थे, और इसको लेकर पार्टी के अंदर ही अंदर सवाल उठने लगे थे, जिसके बाद अब अखिलेश यादव पार्टी के अंदर उठ रहे विरोध के स्वरों को मैनेज करने में जुट गए हैं। और उन्होंने बरेली और शाहजहांपुर में पार्टी की एक टीम को भेजने का फैसला लिया है, जो वहां जाकर स्थिति को देखेगी और जिला प्रशासन से मुलाकात कर विरोध भी जताएगी। फिलहाल पार्टी बरेली से विधायक शहजील इस्लाम और शाहजहांपुर के पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा के मामलों में ही आगे आई है। राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दोनों ही नेताओं के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की थी और बुलडोजर के जरिए उन्हें ध्वस्त कर दिया था। इन दोनों पर ही की गई कार्रवाई पर अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए थे, जिसके बाद पार्टी में वो मुस्लिम नेताओं के भी निशाने पर आ गए थे। अब पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ये निर्देश दिया है कि सपा नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल शाहजहांपुर और बरेली जाएगा और वहां डीएम को ज्ञापन सौंप कर निष्पक्ष जांच की भी मांग करेगा। पार्टी का आरोप है कि शाहजहांपुर में पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा के खिलाफ बिना किसी सूचना के उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया और उनकी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया, जबकि शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप और गेस्ट हाउस को तोड़ दिया गया। अभी भी उनकी कई संपत्तियां जिला प्रशासन के निशाने पर है। सपा विधायकों पर योगी का बुलडोजर लगातार चलता ही जा रहा है। सपा नेताओं और विधायकों की संपत्ति की जांच कराई जा रही है। इसी बीच कई विधायकों से करोड़ों की सरकारी जमीन को मुक्त भी कराया गया है और अभी भी कई लोगों के नाम लिस्ट में शामिल भी हैं, जिनकी संपत्ति को जल्द ही कुर्क भी किया जाएगा। इसी से परेशान होकर अब सपा नेताओं ने अखिलेश से मुंह मोड़ लिया है, जिसके बाद अब अखिलेश पार्टी को टूटता हुआ देखकर खुद मैदान में कूद पड़े हैं। आप देखते रहे कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।